ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैंने सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा, मेरा साया भी मुझसे कभी दूर जाएगा। मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है। दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। पीछे मत आना और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करना। नायरा, लगता है सब कुछ कहानी है, अखियों में यादें पुरानी है। उससे ही बातें ना हो पाए, जिसको बातें सब सुनानी है। कहना है जो दिल कब कह पाता है। प्लीज देखो देखो, तुम्हारी नाराजगी जायज है, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। कार्तिक भाई ने जो कहा वो ऐसे ही नहीं कहा, वो अब सच में उनसे। कार्तिक, कार्तिक, भैया सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। अच्छा, क्या सरप्राइज है? कहानी है, अखियों में यादें पुरानी है।
पेपर्स। आज मीटिंग है ना, मैं मंदिर में थी तो वहीं चाची ने कहा कि ये तुम्हें बेच रहे हैं तो थैंक यू। मैं सिर्फ तुम्हें ये पेपर्स देने नहीं आई हूं, तुमसे मिलने भी आई हूं। कहना है जो दिल कब कह पाता है। दिवाली आ रही है कार्तिक, शादी के बाद की हमारी पहली दिवाली होगी। पिछली दिवाली तो तुम्हें याद ही होगी, कितनी स्पेशल थी वो, हमेशा के लिए जुदा होते होते हम हमेशा हमेशा के लिए मिल गए थे। तो खाओ, जैसे गुस्से में चली जाओ कह दिया था ऐसे ही आ जाओ कह दो। तुम चाहे जो सजा दो मुझे, लेकिन प्लीज बुला लो। सजा तुमसे कहीं ज्यादा मैं भुगत रहा हूं नहरा, पर क्या करूं, मेरा डर मेरा दर्द मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। कुछ कीजिए गंगा मैया, सही गलत अच्छी बुरी कोई तो वजह पैदा कीजिए हमारे साथ आने की। ये आर्यन की फोटो है ना? हाँ, पता नहीं सामान में कहाँ से आ गई। मैं दे दूंगी उसे। हाँ, साथ साथ में कह देना कि ज्यादा स्मार्ट ना बने, वरना अगर मैंने कुछ कह दिया या मैं चलूं? नायरा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा गुस्सा जायज है कार्ते, मेरी उम्मीद भी उतनी ही जायज है। प्लीज वो तुम अच्छी नो मुझसे। और मेरी उम्मीद का क्या, मेरे साथ साथ अपनी बहन को भी कह दूं कि उसकी भी उम्मीद खत्म हो चुकी है। सच्चे मन से एक झूठा रिश्ता निभाने जा रही है वो। शायद मैं ही गलत थी कार्ते, इतनी कोशिशों के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं दिला पा रही तो जरूर कोई कमी रह गई होगी। तुम शायद सही कह रहे हो, हमें कीर्ति दी को सब सच बता देना चाहिए। हम बताएंगे उन्हें। पर कोई बात नहीं, मैं अभी घर ही जा रही हूँ, घर जाके उन्हें बता दूंगी। कल तक तो तुम श्योर थी कि तुम नहीं बताना चाहती, आज अचानक क्या हो गया? मैं श्योर थी कार्तिक, पर तुम्हारी नाराजगी ने मेरे विश्वास को डगमगा दिया है। और कभी ना कभी तो सच उनके सामने आना ही है ना, तो फिर आज क्यों नहीं? सॉरी मैंने तुम्हारा फोन मिस कर दिया। मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, एक बात बतानी है। नक्श ने आज मेरे लिए मेरी फेवरेट डिश भेजी है कृष्णा से, और वो भी खुद बना के। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, उनकी इतनी बिजी स्केड्यूल है लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज के लिए टाइम निकाल लिया। और पता है साथ साथ एक मैसेज भी भेजा है। बहुत स्वीट मैसेज है।
उन्होंने कहा कि लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो जनरली उन्हें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, जैसे कि फूड हैबिट्स या बाकी चीजों को लेके। पर मुझे वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे जो अच्छा लगे मैं वो करूं। भाभी मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना भाभी। आप इसी फीलिंग ने मुझे रोका था कार्तिक, जिसने आज तुम्हें मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे रही हूँ और ना ही खुद के किए को जस्टिफाई कर रही हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कार्तिक कि मैं समझती हूँ इस फीलिंग को। भाई भी समझते हैं, हम दोनों गुजर चुके हैं इससे कार्तिक, इसीलिए नहीं बता पाए। कार्तिक अब जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करो। बस इतना कहूंगी, अगर झूठ से शुरू होते कोई चीज सच के रास्ते होते हुए खुशियों की हो जाए तो उसका रास्ता रोकना नहीं चाहिए।